हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ रिलायंस की उन दो कंपनीज की जहाँ पर रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट की और उसका जो पर्पस था वो ये था कि जियो फाइबर को जो है वो तेज़ी से बिछाया जा सके। तो उन्होंने किया क्या, दो ऐसी कंपनीज ढूंढी जिन्होंने केबल ऑलरेडी बिछाई हुई है और उनमें एक थी हैथवे और दूसरी थी डेन नेटवर्क। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने इन दो कंपनीज में जब पैसा लगाया तो उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 करते जो मैनेजमेंट कंट्रोल है भैया, जब वो उनके हिसाब से रिलायंस के हिसाब से चलेगा तो अल्टीमेटली छोटी कंपनीज के अंदर भी कुछ ना कुछ तो उछाल आना चाहिए। अच्छा, जब ये खबरें आई तो उस समय डेन और हैथवे इन दोनों के रेट ऊपर उछल गए, लेकिन उसके बाद लंबे रिट्रेसमेंट। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये चार्ट ऐसी जगह डेन के और हैथवे के पहुंच गए हैं जहां पर इनमें पैसा लगा सकता है कोई इंसान? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसी का एनालिसिस करने वाला हूं। डेन और हैथवे, इन दोनों कंपनीज के बारे में हम जो बातचीत करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, पहले आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस बिजनेस का थोड़ा सा हम एनालिसिस कर रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से ये हैथवे ने और डेन ने अपना नेटवर्क बिछाया हुआ है। हैथवे का तो बेसिक जो असली काम है वो इंटरनेट लीज लाइन और ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना, राइट? डिजिटल केबल टीवी हैथवे का आता है, राइट? डेन नेटवर्क भी उसी बिल्कुल उसी कैटेगरी का है, लेकिन इनका केबल का काम थोड़ा सा ज्यादा है। और क्योंकि जब रिलायंस बीच में आ गया तो भैया जियो फाइबर मिल गई, तो ब्रॉडबैंड वगैरह का काम भी बिल्कुल आज की डेट में ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना ब्रॉडबैंड के आप यहाँ घर पे कुछ बैठे हो। तो बहुत ही कम मुझे लगता है ऐसे घर होंगे जहां पर सिर्फ केबल नेटवर्क है, इंटरनेट तो भैया आज की डेट में हर जगह है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेट में भी जो पेनेट्रेशन करना था वो डेन केबल के थ्रू और इन्होंने हैथवे के थ्रू कर लिया। लेकिन मैं बातचीत करूंगा सबसे पहले इनके बिजनेस की कि इन्होंने किस तरीके से इस बिजनेस को चलाया है, क्या रेट इसका चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक एक करके इनका कंपैरिजन करते हैं। तो मैं चार्ट के साथ साथ जो है उसके नंबर्स खोलूंगा। तो पहले मैं डेन की बात करता हूं। डेन का रेट कहां से कहां गया, पहले डेन नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है जी? डेन नेटवर्क का ये देखिए, यहां पर ये देखिए पॉइंट क्या था जी, 92 रुपए का शेयर, और नीचे आके वो गिर गया था कौन सी डेट तक, 31 मार्च 2023 तक 24 रुपए था, और अब ये वहां से डबल हो चुका है शेयर, ठीक है जी? मार्च 23 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अभी आपको मुश्किल से 5 महीने भी नहीं हुए, तो 5 महीने में ये शेयर डबल हो गया। लेकिन सवाल याद है कि क्या इसमें वाकई इतना दम है कि अभी और ऊपर जाए? 107 रुपए का ये हाईएस्ट टारगेट अभी आपने देखा, और कहां से नीचे आता चला आ रहा है ये। मैंने अभी ये पिछले वाला इससे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे यहां पर जो है ये कोरोना के बाद जो इसने टॉप लगाया था इसमें इंटरेस्ट था, ठीक है ना? तो यहां से इंटरेस्ट था मेरा कि इस सिचुएशन के बाद क्या कहानी हुई है, क्योंकि अगर मैं इसका पुराना रेट लेने बैठ जाऊंगा ना, जब इंटरनेट थोड़ा कम था और उस समय केबल की बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं केबल का ही जो है बोलबाला था, तो उस समय तो इसने रेट बिल्कुल ऐसे टॉप क्लास लगाए हुए थे, ठीक है ना? उस समय तो इनके रेट ये देखो 237 रुपये का गया हुआ है। लेकिन मैं ये पुरानी हिस्ट्री इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि अब वो ज़माना रहा नहीं, ज़्यादातर लोग इंटरनेट की तरफ चले गए हैं, और भले इन्होंने भी इंटरनेट का बिज़नेस शुरू किया लेकिन वो जो डेन और जो हैथवे इस तरह के लोग काम करते थे ना, जो कमाइयाँ होती थी केबल में, अब वो लेवल नहीं रह गया, ठीक है? लेकिन एक दूसरा एंगल है, इनके बने बनाए बिजनेस ने बहुत हेल्प की किसको, जियो को। चलिए, तो यहां से जो रेट मैं लेके चल रहा हूं, मैं पुरानी बातें कर ही नहीं रहा, यहां से जब आया रेट बिल्कुल टॉप पे, तो मैं इसी की बात करता हूं, 115 रुपए, 115 रुपए से लेकर यहां से जब मैंने इसकी रिट्रेसमेंट लगाई तो ये जहां से शुरू हुआ था ना, ये उसी रेट पे नीचे आ गया था। आप देख रहे हो, जो कोरोना के बाद जहां से शुरू हुआ, ये नहीं कि जहां से बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, कोरोना के बाद की बात कर रहा हूं मैं। कोरोना के बाद जब ये शुरुआत हुई 31 मार्च के बाद, समझो कोई 15-20 मार्च के आसपास से निकल के ऊपर जाके सीधा पहुंचा 107 रुपए, वहां से लेके दोबारा उसी 25 रुपए पर आके ये फिर टिक गया, और वहां से इसने फिर
उठना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ऊपर वाले पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहा 230 रुपए की, मैं बात कर रहा हूँ केवल इस 110 116 115 के आसपास की, तो भी यहाँ से डबल से भी ज़्यादा की इसके अंदर अभी पावर है। लेकिन क्या इसमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ पक्की है कि इसके अंदर अब बैलेंस शीट आपको साफ सुथरी नजर आएगी, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर में जाएंगे तो प्रमोटर ग्रुप में आपको नजर आएंगे क्या, जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जब आप ये नंबर्स देखते हैं और इनको मिला के देखते हैं तो भैया ये तो ये कितना नंबर हो गया, 65% के आसपास तो भाई रिलायंस के पास ही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? और ये थोड़ा रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये नेटवर्क 18 ये भी इन्हीं की कंपनी है, यानी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है ना। नीचे देख लो, यहाँ पर ये आपको नजर आ जाएगी रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड, तो इन बहुत कम स्टेक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मेन हिस्सेदारी जो है इसका मतलब जब रिलायंस की लग गई तो खेल ही बदल जाता है ना। तो अब देखते हैं जी कैश फ्लो के इसमें क्या हालात है। कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 139 करोड़ कैश का काम है इनका, है ना, क्योंकि आप देखते हो केबल टीवी में आएगा तो भैया पहले पैसे लेगा बाद में करेगा, या केबल में तो बाद में वैसे भी हो जाता था, लेकिन यहाँ इंटरनेट में तो पहले एडवांस पैसा आता है फिर उसके बाद जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर्विसेज से पहले ही पैसा आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो पैसा गया है वो कहाँ गया, ये देख रहे हो आप, एसेट परचेज किए, इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंसिंग में ये देखो, अदर फाइनेंसिंग आइटम में कुछ यहाँ डाल रखा है नेगेटिव, बट कहानी ऑलमोस्ट ये है कि इधर आपका फाइनेंस में कैश भी जनरेट हो रहा है और रिजर्व्स खूब पड़े हुए हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लायबिलिटीज बहुत बहुत लिमिटेड है, मैनेजेबल है, और उसके बाद जो है किसका हाथ है सर पे, रिलायंस का, ठीक है जी। प्रॉफिट्स की बात करते हैं जो कि मेन बात है, तो प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देख लो, यहाँ से आपको नंबर नजर आ जाएगा 2022-2023, ये दोनों साल अच्छे गए हैं, और यहाँ से अगर पुराना देखें तो यहाँ देख रहे हो लॉस, 431 करोड़ का लॉस, 188 करोड़ का लॉस, 17 करोड़ का लॉस, 301 करोड़ का लॉस, तो उसके बाद 2020 के बाद सब कुछ प्लस नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक अच्छी बात नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको जो एडिशनल आपके इंटरेस्ट वगैरह खर्चे होते थे वो तो है ही नहीं, क्योंकि डेट फ्री कंपनी हो गई है। अब उसके अलावा अगर आप देखो क्वार्टरली रिजल्ट, वो भी अच्छे बनते नजर आ रहे हैं, क्वार्टर बाई क्वार्टर जो यहाँ पर इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है ना, हालांकि यहाँ पर कम हुआ है जून 2023 में, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको यहाँ प्लस में नज़र आता हुआ, ठीक है। डेन नेटवर्क जो है उसमें भी आप देख रहे हो कि अब अच्छा, ये नंबर्स जो हैं ये सिर्फ ये है कि सपोर्टिव चीज़ है, लेकिन डेन इस वक्त जो चार्ट बता रहा है ना वो कुछ ऐसा बता रहा है कि वापस इस 107 रुपये तक, नहीं 107 नहीं, ये 100 कहाँ तक जाएगा भाई साहब, 115 तक, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है इस पोजीशन पर, ऑलरेडी जहाँ ये बढ़ चुका है यहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है, और इस जगह पर हो सकता है कि आपको जैसे कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, ठीक है ना, रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ देखने को मिल जाए, ऊपर जाएगा तो भी नीचे आना है, कुछ ना कुछ तो नीचे आना ही है इसमें, ठीक है ना, ऊपर जाने के बाद नीचे आए चाहे, लेकिन जब ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ऐसा हो गया, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, तो उसके बाद तो फिर बल्ले ही बल्ले, यानी आपको मिनिमम जो है अगला टारगेट यहाँ से कितना सेट होता हुआ नजर आएगा, यहाँ से अगला टारगेट आपको पूरा का पूरा 63 रुपीज़ नजर आ जाएगा, 63 रुपीज़, यानी 50% का राइज हो जाएगा यहाँ से, कम से कम 50% की राइज की बात कर रहा हूँ मैं, 50% राइज, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आए और उसके बाद ऊपर चले तो और राइज है। तो अल्टीमेटली कहानी यहाँ पर यह है कि अगला जो तगड़े वाली रेजिस्टेंस मिलनी है वो 59 पे मिलनी है, तो आप 63 छोड़ो 59 मान लो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर ये एक बार टच करने के बाद नीचे आएगा और फिर अपने नए टारगेट्स बनाएगा, लेकिन डेन मुझे चार्ट के हिसाब से जो है डेवलपमेंट इसकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग सिचुएशन थी सारी की सारी, जो ये एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड टाइप बना हुआ था, वो इस शेयर ने अपना रिवर्सल कर लिया। अब ये देख रहे हो आप, ये कैसे रिवर्सल बता रहा हूँ मैं कि हो चुका है,
उसके लिए मैं थोड़ा सा ये सब कुछ हटा के आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी जो मार्किंग्स हैं ये सब चीज़ें हटाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ से आप एक ट्रेंड देखिए कि क्या चल रहा है। यहाँ से शेयर का ट्रेंड बिल्कुल नीचे 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 जा रहा था, सभी को दिखाई दे रही है। हाँ जी, सभी को दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हो जी, ये कहानी नीचे ही चल रही थी, ये सब नीचे जा रहा था, लेकिन इसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेक किया, इस ट्रेंड को ब्रेक किया और तोड़ के यहाँ से चैनल से निकल गया, लेकिन उसके बाद और नीचे गया। अब कहानी ये है कि नीचे जाने के बाद जब यहाँ से आ जाए कि हमें लग रहा है कि ट्रेंड ब्रेक हो गया, लेकिन दोबारा गिरता है फिर वहाँ से। वो गिरने के बाद जब तक ये अपने अगले इस जो ये देख रहे हो, ये वापस उसी लेवल पर ना आ जाए जो एक बार रेजिस्टेंस मिली, फिर दूसरी बार तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर तोड़ के अब यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा और ऊपर जाके अब रीटेस्ट करेगा, यहीं पर आके रीटेस्ट करेगा 38 रुपये पर। तो अब जो है कहानी ये है कि यहाँ रीटेस्ट करने के बाद ये बात पक्की हो जाती है कि अब इसने उसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल ऐसी कहानी आपको हैथवे में नजर आएगी, वही सेम कहानी यहाँ नजर आएगी, लेकिन एक चीज़ आपको बेटर नजर आएगी वो ये कि यहाँ पर आपको काफ़ी समय से ये सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लॉसेस फिर वही 2020 के बाद की कहानी है कि वहाँ से ये जो पुराने इतने लॉसेस थे उन लॉसेस को ख़त्म किया गया है और उसके बाद यहाँ पर भी फिर से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जेब में बच रहा है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, यानी आप इसको देखोगे तो आपको कह रहे ये क्या है। लेकिन कई लोग मुझसे पूछते सर कम रेट वाला कोई शेयर बताओ ना, तो भाई कम रेट कुछ नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रुपए का शेयर महंगा हो और 3,000 का शेयर सस्ता। ऐसे कई शेयर आपको बता दूंगा जो 10-10 पैसे के शेयर हैं, 50-50 पैसे के शेयर हैं, लेकिन वो महंगे हैं टाइटन के सामने। आपको अरे सर टाइटन तो इतना महंगा हो गया, क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब। MRF 1 लाख रुपए से के ऊपर हो गया ना, MRF का 1 लाख रुपए का एक शेयर सस्ता है और वो 10 पैसे का शेयर महंगा है, ऐसा भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नंबर ऑफ शेयर से मत देखो, वैल्यू से देखो, कंपनी की वैल्यू से देखो, कंपनी की ग्रोथ से देखो, कंपनी के नाम से देखो, उसके बाद आपको जो पैसा लगाना पड़ता है उसमें रिस्क भी कम रहता है, रिटर्न लॉन्ग टर्म में हमेशा ज्यादा मिलता है। तो हैथवे की बात अगर मैं करूं तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी ये आपने देखी, क्वार्टर वाइज भी बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक बना के रखा हुआ है, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर इसलिए डालता हूँ क्योंकि बिजनेस का काम जो है मेन आ रहा है। फिर आप कैश फ्लो देखोगे ना तो गजब चीज है, क्यों? क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने हाथ में रखना एक बड़ी बात होती है। तो हैथवे इसका मतलब कैश फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो इसने डेन को भी मात दे दी। हालांकि डेन के, अगर मैं डेन के पीई रेशो को देखूं, डेन की पीई रेशो 7.61 है और दूसरी तरफ हैथवे की जो पीई रेशो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हैथवे की पीई रेशो चेक करो, 42 के आसपास है भैया। हैथवे जो है तो इसका तो जो है आपको लगेगा अरे सर ये क्या बात हुई, ये तो बहुत ज्यादा पी है, लेकिन इसका चार्ट देख लेते हैं हैथवे का, यहां पर क्या कहानी हुई है, आइए आपको दिखा देता हूं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है भी चार्ट। इसका भी मैं बहुत पुराना हिस्सा नहीं दिखाऊंगा, 2020 के वाले के बाद ही दिखाऊंगा। 2020 पे इसी रेट पे था, 10 रुपए के आसपास ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया, 57 रुपये चला गया, वहां से देखो कैसे नीचे आता गया, नीचे आ गया ऑलमोस्ट उसी जगह पे 12 रुपये के आसपास। अब यहां पर भी वही सिस्टम बन रहा है, ठीक है ना, यहां पर भी वही सिस्टम बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक बार जरा इसकी तरफ नजर डालिए, ये भी डाउन ट्रेंड में शेयर जा रहा था एक, हाँ जी
ये भी शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही चार्ट बन रहा है, देख रहे हो, ये भी बिल्कुल वैसा ही चार्ट बन रहा है। एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया था इसने, एक चैनल बना लिया था नीचे का, वहीं पर ही घूम रहा था, लेकिन इसने उसे यहां पर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे गया, बिल्कुल वैसी ही पोजीशन। ध्यान से देखो जरा, डेन में भी ऐसा ही हुआ, निकला नीचे आया, ये भी निकला ऊपर नीचे आया, ठीक है। और जैसे वहां हमने उसके टॉप्स पे एक लाइन लगाई थी, ये लाइन लगाई थी ना टॉप पे, ठीक है जी। अच्छा, ये भी दो लाइंस इसके अंदर है, यहां से निकालो, इसको देख लो, ठीक है जी, कंडीशन वही है, वैसी है। ये भी नीचे आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है हैथवे भी, लेकिन जब तक ये 1960 या 70 पैसे नहीं पहुंच जाता तब तक वो कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, ऊपर जाएगा जरूर, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखो कि जिस रेट से ऊपर से चला था, नीचे आके 2020 वाले रेट पे पहुंच गया था, कोरोना वाले रेट पे, और वहां से अब इसने उस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है, ऊपर जाने की तैयारी में है। यहां से अगर एक नया पैटर्न बढ़िया सा बना ले, बहुत ही शानदार सा एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना दे, फिर ये शेयर ऊपर ही ऊपर है, फिर इस शेयर के अंदर आप 2-3 साल बैठ जाओगे तो 2 साल के अंदर ही आपको ये 2-3 गुना पैसा करके दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर बोल रहा हूँ, शेयर परचेज करने की कोई भी सलाह नहीं है, लेकिन यहां पर जो है कहानी चार्ट की है, मैं चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे चार्ट में जनरली ऊपर ही जाता है भैया, ठीक है। परचेज करना तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से इन्वेस्ट करिएगा, मेरे साथ तो केवल आप सीखिए। हमारे सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स में भी ये सारी की सारी ही बातें बताई जाती हैं कि किस तरीके से आप चार्ट को रीड करेंगे, कहाँ से ऊपर चीज़ें जाएंगी, क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों को दिखाने का मकसद ये था कि इसमें एक में तो ये पूरा बन गया जी, इस एक में आप देखोगे तो एक बड़े वाला ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ये आप देख रहे हो पिंक कलर का, मतलब हेड बन गया, एक ये शोल्डर था, एक और रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी है। यहां से इसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ उसे ब्रेक भी कर दिया था, ये किसकी बात हो रही है, डेन नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है ना। ये देखो, जब इसने इस येलो लाइन को कट किया तो ये देखो वॉल्यूम क्या है इस एरिया में, ठीक है, इसका मतलब ऊपर जाएगा शेयर, यहां से 46 जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने के भी चांसेस हैं, ठीक है जी। तो ये इसको ब्रेक इसने कर दिया, ये वैसी सिचुएशन थी, यहां से ब्रेक कर गया ऊपर, हैथवे में भी ऐसे ही है कि यहां से एक बार ये ब्रेक कर गया ऊपर तो हो सकता है इस लाइन के 1960 से सीधा ही ऊपर निकल जाए और ऊपर जाके कोई हेड एंड शोल्डर बनाए, देर आर हाई चांसेस। अब ये डिपेंड करता है यहां पर किस तरीके से टिकना है, धीरे धीरे करके कैसे ऊपर जाना है, समय लगेगा, लेकिन क्योंकि जियो के बहुत बड़े बड़े प्लान है और उनमें ये दोनों ही शेयर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट करके आ चुके हैं और चढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर आप तो हमें ये बात 12 रुपए का था तभी बता देते, भाई जब ये नीचे आ गया तो सर आप तभी बता देते ना, तब क्यों नहीं किया भाई, वहां कंफर्मेशन नहीं थी ना। ऊपर आने के बाद आप कहोगे अरे सर ये तो आज 16 रुपए हो गया, 12 रुपए के हिसाब से देखें 4 रुपए बढ़ गया, यानी 30% राइज तो पहले ही दे चुका है, 30% तो इंक्रीमेंट पहले ही हो चुका। तो भाई जब ट्रेन चलेगी तो तभी चढ़ो ना उसमें, ये थोड़ी कि अभी ट्रेन का टाइम पता नहीं है, जाके बैठ गए उसके अंदर गर्मी में और पंखा चलते जा रहे हैं, भैया चल ठीक है कब चलेगी ट्रेन और कब चलेगा पंखा। तो जब चलो, जब पता लग जाए फाइनली कि हाँ अब ट्रेन के चलने का ये समय है भैया, तो उसमें बैठो ना। तो यहाँ से फिर कभी रुकेगी भाई, ट्रेन चल रही है कभी कई स्टेशन पर रुकेगी, कोई स्पीड वाली गाड़ी जा रही है तो उसके लिए भी रास्ते में रुकेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये कहानियाँ जो है चलती रहेंगी, लेकिन ये बिजनेस जो है अभी किस पर बेस्ड हो गया है, ब्रॉडबैंड पर बेस्ड हो गया है, ठीक है, फाइबर पर बेस्ड हो गया है। वो इसका जो रिलायंस ने करना क्या, जियो ने करना क्या, इनके नेटवर्क का बेनिफिट उठाना क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है वहां। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? और ये जो नंबर है हैथवे का, मुझे लगता है कि ये 57 रुपए खींच जाएगा, लेकिन समय लेती है हर चीज, बीज डालते हैं,
छोटा सा अंकुर फूटता है, पौधा निकलता है, फिर बाद में वो पेड़ बनता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, राइट? समय लगता है। तो ये नहीं कि हाँ भाई बस गए बाहर पैसे दिए और खाना खा लिया, ये वो कहानी नहीं है। तो इसीलिए दो ऐसे शेयर्स जो कि मुझे लगता है रिलायंस जियो के बल पर अपने आप आगे बढ़ने की पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं, मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही शेयर जो हैं अच्छे चलेंगे। लेकिन लेट अस सी कि इसमें टाइम कितना लगता है। मैं इसमें डबल होने का टाइम आपको बता देता हूँ कि डेन जो है वो कितने टाइम में डबल होने के लिए पूरी की पूरी तरह तैयारी करके बैठा है। ठीक है, मैं डबल नहीं बोलता, मैं एक अपना रेट आपको बता देता हूँ जहाँ पर मुझे डबल नहीं बोलूँगा 71 रुपीस, ठीक है जी, 42 रुपये का है और 71 रुपये कितने दिन में जा सकता है, ठीक है, नहीं ऑलमोस्ट डबल है, यानी यहाँ से हम लगभग 70% की बात कर रहे हैं, 70%, ठीक है, 70% के लिए 18 महीने से लेके 2 साल रुकना है, 70% के लिए 18 महीने रुकने की देर है बस। और इन्हीं 2 सालों में कोई बड़ी बात नहीं है कि रेट 94 रुपये पहुंच जाए, यानी डबल से भी ज्यादा। तो आप ये मान के चलिए जो मैंने 18 महीने से 2 साल बोले, 18 महीने से 24 महीने, 30 महीने मान लो भाई, 2.5 साल में अगर कोई शेयर दुगने से ज्यादा हो जाता है तो भैया ऐसा रिटर्न कहाँ मिलते हैं। तो डेन नेटवर्क में भी उतना दम नज़र आ रहा है, पूरा साफ साफ नज़र आ रहा है, और बिल्कुल उसी तरीके से हैथवे में भी दम नज़र आ रहा है, यानी 16 से 32 होने में बिल्कुल वो इतना ही टाइम बोलूँगा मैं, 18 महीने से 2 साल बिल्कुल शांति से जो बैठे रहेंगे, क्योंकि रिलायंस ने गेम खेलनी है, उसने 2 साल में इनका भी नंबर लगा ही देना है, और मुझे लगता है कि ये डबल हो ही जाएंगे इजीली। पैसा डबल होना 18 महीने से यानी 1.5 साल से 2 साल में, इट्स नॉट अ जोक, समझे मेरी बात के नहीं, क्योंकि आप FD के हिसाब से देखो तो 7-8% बोलता हूँ पूरे साल में मिलता है, TDS काटोगे, इनकम टैक्स कटेगा तो उससे भी कम रह जाएगा। सो इसीलिए ये दोनों स्टॉक्स जो हैं मुझे अब मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए हैं और आपसे मैंने इसको शेयर कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, गजब की ये दो बातें, गजब के दो शेयर, ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकते हैं, जियो का इनके सिर पे हाथ है। तो ये जो है देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कहाँ तक सही होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और हमारे सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर देखिए, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप अगर आपने उसके बारे में कोई बात जाननी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।